आज हम सभी लोग गणपति टेकड़ी के मंदिर में आए हैं। ये जो गणेश जी है ये प्रकट हुए हैं। पीपल का पेड़ है, उसकी जो जड़ है उसमें वो प्रकट हुए हैं। पहले मंदिर ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले मंदिर सिर्फ पीपल का पेड़ था और गणपति बाप्पा थे। फिर जैसे जैसे उनकी मान्यता बढ़ती गई वहाँ पे एक छोटा मंदिर बनाया गया, उसके बाद बड़ा मंदिर बना और अभी आप जो देख रहे हैं वो रीसेंट इन लोगों ने जो रिकंस्ट्रक्शन किया है उसका ये मंदिर है। बहुत अच्छी तरह से इन लोगों ने बना दिया है, वुडन वर्क किया गया है और मार्बल वर्क भी किया गया है। ये गणपति की बहुत मान्यता है, नागपुर में जब भी मैच होती है तो सचिन तेंदुलकर यहाँ पे आते हैं और दर्शन करते हैं, उसके बाद ही मैच स्टार्ट करते हैं। कोई भी मूवी एक्टर या फिर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी सबसे पहले गणपति के दर्शन करने आते हैं नागपुर में, उसके बाद ही सारे काम स्टार्ट करते हैं वो, चाहे वो विजिट के लिए आए हो या शूटिंग के लिए आए हो या किसी इवेंट के लिए आए हो। मैंने भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि अगर आप गणपति बाप्पा को मानते हैं तो बिल्कुल गणपति बाप्पा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। गणपति बाप्पा देखते हैं कि आपके मन में कितनी श्रद्धा है, श्रद्धा से आप कोई चीज़ उनको मांगते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं तो ज़रूर वो सारी चीज़ें आपको दे देते हैं। अपनी कार उठा लो, जय बोलो, जय गणपति बाबा की, आरु बोलो, जय गणपति बाबा की, जय गणपति बाबा की, आप बैदी बोलो, जय गणपति बाबा, जय गणपति बाबा की, आरु आप भी बोलो, जय गणपति बाबा की।